हेलो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं 2021 में सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाले शेयर के बारे में। इस शेयर ने 2021 में ही अभी तक 44% का रिटर्न दिया है। रिटर्न के मामले में इसने HDFC, ICICI बैंक, HDFC बैंक, TCS जैसी दिग्गज कंपनी को काफ़ी पीछे छोड़ दिया है। मई में इस शेयर का प्राइस मात्र 149 रुपये का था। हाल ही में इस शेयर ने 408 रुपये का हाई बनाया है। तो हम बात कर रहे हैं देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक SBI के बारे में। SBI ने मार्केट कैप के मामले में भी अभी टॉप 10 में जगह बना लिया है। SBI का मार्केट कैप 3.64 लाख करोड़ रुपये का हो चुका है। हाल ही में आए SBI के रिजल्ट में 5,000 करोड़ रुपये से भी ज़्यादा का फायदा हुआ है। मई में SBI का शेयर मात्र 149 रुपये का था और उस समय इसका मार्केट कैप मात्र 1.33 लाख करोड़ रुपये का था। मई से इसका शेयर 250 रुपये बढ़ चुका है, यानी एक शेयर पर 250 रुपये का फायदा। यदि आपने मई में SBI का शेयर बाई किया होता तो आपका पैसा 2.5 गुना से भी ज़्यादा हो गया होता। आम बजट पेश होने के बाद इस शेयर में एक दिन में 15% से भी ज़्यादा की तेज़ी देखी गई है। इसका मार्केट कैप 2.30 लाख करोड़ रुपए बढ़ चुका है। एक्सपर्ट अभी भी इस शेयर में अच्छा रिटर्न मिलने की बात कर रहे हैं, क्योंकि SBI ने NPA पर बहुत ही अच्छा काम किया है। ब्रोकरेज हाउस CLSA ने SBI में अभी भी 58% की तेज़ी आने की बात कही है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप SBI को अपने वॉच लिस्ट में रखेंगे और आपको जो भी प्राइस ठीक लगे उस प्राइस पे इस शेयर को बाई करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।